जय हिंद बच्चों, पुनः आपका आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं विषय व्यवसाय अध्ययन का दूसरा अध्याय व्यावसायिक संगठन के स्वरूप के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम पांच प्रकार के व्यवसाय के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पहला है एकाकी व्यापार, दूसरा है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, तीसरा है साझेदारी, चौथा है सहकारी समितियाँ और पांचवा है कंपनी। तो सबसे पहले हम एकाकी व्यापार के बारे में विस्तार पूर्वक समझते हैं। एकाकी व्यापार वह व्यापार है जिसमें एक ही व्यक्ति की पूंजी लगाई जाती है, साथ में वो अकेला व्यक्ति ही व्यापार से संबंधित सारे निर्णय लेता है। साथ में यदि व्यापारी को लाभ होता है तो वो पूरा लाभ उस व्यापारी का ही होता है, और यदि हानि होती है इस व्यापार में तो उसे अकेले ही वहन करनी होती है। उसके साथ कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं होता जो उसके साथ लाभ ले या फिर हानि वहन करे। एकाकी व्यापार वह व्यापार है जिसमें एक अकेले व्यक्ति की ही बुद्धि एवं कौशल का उपयोग होता है। हम कह सकते हैं कि एकाकी व्यापार वो व्यापार है जिसमें एक ही व्यक्ति की पूंजी लगेगी, एक ही व्यक्ति की बुद्धि और कौशल का उपयोग होगा, साथ ही वो अकेला व्यक्ति ही सारा लाभ प्राप्त करेगा और हानि हुई तो उस अकेले व्यक्ति को ही सारी हानि वहन करनी होगी। बच्चों, अब हम एकाकी व्यापार पर वैधानिक प्रतिबंध के बारे में पढ़ेंगे। अनुबंध करने की क्षमता। एकाकी व्यापार जो भी करना चाहता हो उस व्यापारी में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अंतर्गत वह व्यक्ति वयस्क हो, अतः उस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि वह व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, एवं तीसरा वह अनुबंध करने के योग्य होना चाहिए, वह किसी भी प्रकार से अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं हुआ हो। असीमित दायित्व, इसका मतलब यह है कि यदि एकाकी व्यापारी ऋण लेता है तो दायित्व चुकाने के लिए उसे व्यवसाय की संपत्ति के अलावा अपनी निजी संपत्ति भी लगाना होगा या निजी संपत्ति भी देना होगा। वेद व्यापार, एकाकी व्यापारी चाहे जो व्यापार करे परंतु वह वेद होना चाहिए, मतलब शासन के तरफ से वह अवैध घोषित ना हुआ हो। कर संबंधी नियमों का पालन, जिस प्रकार से सभी कर संबंधी नियमों का पालन करते हैं वैसे ही एकाकी व्यापारी को भी कर संबंधी नियमों का पालन करना होता है। जितना भी कर सरकार द्वारा उस पर लगाया जाता है, वह चाहे विक्रय कर हो या कोई और कर हो, सभी प्रकार के कर उसे सरकार के अनुसार जमा करना अनिवार्य है। अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना, जिस प्रकार से व्यापार छोटा हो या बड़ा हो सभी व्यापारी को सरकार से अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना आवश्यक होता है, वैसे ही एकाकी व्यापारी को भी सरकार से अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी वह अपना व्यापार प्रारंभ कर सकता है। आइए बच्चों, अब हम आगे एकाकी व्यापार की विशेषताएं पढ़ेंगे। पहली विशेषता है एकाकी स्वामित्व व साहस। इसके अंतर्गत एक अकेला व्यक्ति ही पूंजी लगाता है, इसका मतलब यह है कि वह अकेला व्यक्ति ही स्वामी है एवं वह अकेला व्यक्ति ही उस व्यापार में साहसी का कार्य कर रहा है। इसीलिए कहा गया है कि इसमें एक अकेले व्यक्ति का ही स्वामित्व होता है, क्योंकि कि एक अकेले व्यक्ति द्वारा ही इसमें पूंजी लगाई जाती है।
इसकी दूसरी विशेषता है एकाकी प्रबंध। इसके अंतर्गत एक अकेला व्यक्ति ही व्यापार से संबंधित सभी निर्णय लेता है, इसीलिए इसमें एक अकेला व्यक्ति ही प्रबंधक का कार्य करता है। कोई और अन्य व्यक्ति उसका सहयोग करने के लिए इस व्यापार में सम्मिलित नहीं होते। इसकी तीसरी विशेषता है पूंजी पर एक अधिकार। एकाकी व्यापार के अंतर्गत एक अकेले व्यक्ति की ही पूंजी लगती है, तो जो भी लाभ प्राप्त होता है वो उस अकेले व्यक्ति को ही मिलता है, किसी और व्यक्ति का सहयोग नहीं होता जो उसके साथ पूंजी में सम्मिलित हो। इसकी चौथी विशेषता है सीमित व्यापार क्षेत्र। सीमित पूंजी होने के कारण एकाकी व्यापार का क्षेत्र भी सीमित होता है, क्योंकि वो एक अकेला ही व्यक्ति होता है जो व्यापार से संबंधित सभी कार्यों को संभालता है और व्यापार से संबंधित सभी निर्णय वो अकेले ही लेता है। इसकी पांचवी विशेषता है ऐच्छिक प्रारंभ एवं अंत। एकाकी व्यापार में एक लाभ ये है कि एकाकी व्यापारी अपनी इच्छा से व्यापार प्रारंभ कर सकता है और जब उसे उपयुक्त लगे तब वह अपने व्यापार को बंद भी कर सकता है, कोई और व्यक्ति से उसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसकी अगली विशेषता है असीमित उत्तरदायित्व। इसके अंतर्गत एकाकी व्यापार के जो भी दायित्व होते हैं या उसने दूसरों से जो भी ऋण लिया है उसका भुगतान करने के लिए उसे व्यापार की संपत्ति के अलावा जो उसकी निजी संपत्ति है वह भी उसे देनी पड़ सकती है या वह भी वो ऋण चुकाने में लगाता है। बच्चों, अगला व्यवसाय है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। ये वह व्यवसाय है जिसमें कि परिवार के सभी सदस्य मिलकर इस व्यवसाय को करते हैं। इसमें बाहरी व्यक्ति को सम्मिलित नहीं किया जाता है और इसका प्रबंध एवं नियंत्रण जो भी परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है या हम बोल सकते हैं जो परिवार का मुखिया होता है वही प्रबंध एवं नियंत्रण संभालता है और उस परिवार के मुखिया को या उस प्रबंधक को हम कर्ता कहते हैं। परिवार के बाकी के जो सदस्य होते हैं वो कर्ता का सहयोग करते हैं। कर्ता जो भी निर्देश देता है या कर्ता जो भी निर्णय लेता है बाकी के सदस्य उसी के अनुसार कार्य करते हैं। इस व्यवसाय में एक ध्यान देने योग्य बात ये है कि इसमें पुरुष जन्म लेते ही उन्हें व्यवसाय में सम्मिलित कर लिया जाता है, जबकि महिला सदस्य पर प्रतिबंध होता है कि वो इस व्यवसाय में सम्मिलित नहीं हो सकती, परंतु कुछ शर्तों के साथ उनको भी सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाए तो उसे इस व्यवसाय में सम्मिलित किया जाता है, अन्यथा महिलाओं पर प्रतिबंध है वो इस व्यवसाय में सम्मिलित नहीं होती। तो इसमें तीन चार हमको मुख्य बातें याद रखना है। जैसे जो इस व्यवसाय का मुखिया होता है उसे हम कर्ता बोलते हैं, वही कर्ता प्रबंधक और व्यवसाय नियंत्रण करने का कार्य करता है, बाकी के जो सदस्य रहेंगे वो सब सहयोग करेंगे और जैसा निर्देश मिलेगा वैसा ही उन सबको कार्य करना है। इसमें लेखा पुस्तक देखने का अधिकार सिर्फ कर्ता को ही होता है, मतलब परिवार के मुखिया को, अन्य सदस्य लेखा पुस्तक नहीं देख सकते हैं। बच्चों, अब हम इसकी विशेषताएं समझते हैं। पहली विशेषता है हिंदू विधान के अंतर्गत स्थापना। इसका मतलब ये है कि इस व्यवसाय की स्थापना हिंदू अधिनियम 1956 के अनुसार की गई है। इस अधिनियम में जो व्यवसाय का मुखिया जिसे कि हम कर्ता बोलते हैं उसके अधिकार एवं उत्तरदायित्वों को बताया गया है
कि उसके अधिकार क्या हैं एवं उसके उत्तरदायित्व क्या होंगे। इसकी दूसरी विशेषता है पारिवारिक व्यवसाय। इसके अंतर्गत हम सिर्फ परिवार के सदस्यों को ही सम्मिलित करते हैं, बाहर का कोई भी व्यक्ति इस व्यवसाय में सम्मिलित नहीं हो सकता है। इसका लाभ यह होता है कि जो व्यवसाय की गोपनीयता है वो सिर्फ परिवार तक ही सीमित होती है। परिवार से बाहर के किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय की गोपनीयता का मालूम नहीं चलता। इसकी तीसरी विशेषता है सदस्यता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पुरुष जन्म लेते ही इस व्यवसाय में वो अधिकारी बन जाते हैं, परंतु महिला सदस्य होती हैं उन पर प्रतिबंध होता है, वो व्यवसाय में सम्मिलित नहीं हो सकती कुछ शर्तों को छोड़कर। इसकी चौथी विशेषता है प्रबंध व्यवस्था। बच्चों, इस व्यवसाय में प्रबंध का कार्य सिर्फ कर्ता जो कि व्यवसाय का मुखिया होता है उसी के द्वारा संभाला जाता है। व्यवसाय से संबंधित जो भी निर्णय होते हैं वो निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ कर्ता को ही है, अन्य कोई व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता है। इसकी अगली विशेषता है महिला सदस्य पर प्रतिबंध। मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें महिला सम्मिलित नहीं होती हैं, पर कुछ शर्तों के अधीन हम महिला को भी इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो गई है तो मुखिया उसे भी इस व्यवसाय में सम्मिलित कर सकता है। इसकी अगली विशेषता है हिसाब की जानकारी। इसमें हिसाब या लेखा पुस्तक देखने का अधिकार सिर्फ कर्ता को ही है, अन्य कोई भी सदस्य लेखा पुस्तक नहीं देख सकता है। बच्चों, अब हम इस व्यवसाय के लाभ देखते हैं। पहला है व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, क्योंकि यह व्यवसाय परिवार के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, उन्हें पूरी स्वतंत्रता होती है कि वो बीज का व्यापार करें, परंतु वह वैध होना चाहिए। इसका दूसरा लाभ है अवैध सदस्य। इस व्यवसाय का प्रमुख लाभ यह है कि इसमें पुरुष जन्म लेते ही व्यवसाय में अधिकारी बन जाते हैं या जन्म लेते ही वे सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, जबकि और व्यवसाय में हमने पढ़ा है या सुना है कि व्यवसाय करने के लिए व्यक्ति को वयस्क होना आवश्यक है। उस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसका अगला लाभ है गोपनीयता, क्योंकि कि इसमें सभी परिवार के सदस्य होते हैं तो जो भी निर्णय लिया जाता है वो परिवार तक ही सीमित होता है, कोई और अन्य व्यक्ति इस व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसीलिए इस व्यवसाय में पूर्ण गोपनीयता बनी रहती है, किसी बाहरी व्यक्ति को व्यवसाय की जानकारी या व्यवसाय की लेखा पुस्तक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है। बच्चों, अब हम अगला व्यवसाय साझेदारी व्यवसाय पढ़ेंगे। एकाकी व्यापार और संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की कमियों को दूर करने के लिए साझेदारी की स्थापना की गई। साझेदारी में कुछ व्यक्ति मिलकर व्यवसाय करते हैं, इनमें से कुछ साझेदार धनवान होते हैं, कुछ साझेदार निर्णय लेने में निपुण होते हैं, कुछ साझेदार प्रबंध की योग्यता रखते हैं। साझेदारी व्यवसाय में दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना अनिवार्य है। इसमें पूंजी भी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर लगाते हैं और जो भी लाभ होता है वो सभी साझेदारों में या तो बराबर बट जाता है या फिर अनुबंध के अनुसार इसमें लाभ बांटा जाता है, और अगर इस व्यवसाय में हानि होती है तो वह भी
अनुबंध के अनुसार वहन की जाती है। तो इसमें मुख्य लाभ ये होता है कि हमें पूंजी की मात्रा अधिक मिल जाती है, साथ में एक अकेले व्यक्ति को ही सारा कार्य नहीं संभालना पड़ता है, जितने भी साझेदार होते हैं वो सब मिलकर कार्य का विभाजन कर लेते हैं और अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। आइए बच्चों, अब हम साझेदारी व्यवसाय के विशेषताओं के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। पहली विशेषता है साझेदारों के बीच अनुबंध। बच्चों, आपको बताना चाहूँगी कि साझेदारी व्यवसाय का जो प्रारंभ होता है वो अनुबंध से ही होता है। ये अनुबंध दो प्रकार के हो सकते हैं, लिखित एवं मौखिक। परंतु लिखित अनुबंध उचित माना जाता है क्योंकि कि यदि आगे चल के साझेदारों के मध्य कोई भी विवाद होता है तो वह लिखित अनुबंध के द्वारा दूर किया जाता है। इसीलिए कहते हैं हम कि साझेदारी व्यवसाय का प्रारंभ होता है वह अनुबंध से ही होता है। साझेदारों के मध्य अनुबंध होना आवश्यक है। इसकी दूसरी विशेषता है कम से कम दो सदस्य एवं ज़्यादा से ज़्यादा 50 सदस्य। कहने का तात्पर्य यह है कि साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए कम से कम दो सदस्यों का होना अनिवार्य है और अधिकतम इस व्यवसाय में 50 सदस्य ही हो सकते हैं। इसकी तीसरी विशेषता है वैध व्यवसाय का होना। ये साझेदार चाहे जो भी व्यवसाय करें परंतु वह व्यवसाय वैध होना चाहिए। इसकी अगली विशेषता है व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना एवं बांटना। इसके अंतर्गत जितने भी साझेदार इस व्यवसाय में सम्मिलित होते हैं उन सभी साझेदारों के मध्य लाभ को बांटा जाता है। इस लाभ को या तो बराबर बांटा जाता है या फिर अनुबंध के अनुसार जो भी तय किया गया था उसके अनुसार फिर बांटा जाता है। इस साझेदार का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ही है। का अगली विशेषता है व्यवसाय का संचालन सबके द्वारा या किसी एक के द्वारा किया जाना। क्योंकि सभी साझेदारों ने इसमें पूंजी लगाई है तो सभी साझेदार इसमें प्रबंधक हैं, इसीलिए सभी को अधिकार है कि सभी साझेदार व्यवसाय का संचालन कर सकते हैं या फिर सभी साझेदार यदि सहमत हैं तो इन सबकी तरफ से कोई एक व्यक्ति व्यवसाय का संचालन करता है और अन्य बाकी के जो साझेदार होते हैं वह दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों को संभालते हैं। बच्चों, अब हम अगला टॉपिक साझेदारी संलेख को विस्तारपूर्वक समझेंगे। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की स्थापना के लिए साझेदारों के मध्य अनुबंध, ठहराव या समझौता होना अनिवार्य है। ये अनुबंध लिखित एवं मौखिक दोनों प्रकार का हो सकता है, परंतु लिखित अनुबंध अधिक उचित होता है क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था यदि साझेदारों के मध्य किसी भी प्रकार का मतभेद या अपवाद उत्पन्न होता है तो उसको दूर करने के लिए साझेदारी संलेख की मदद ली जाती है या अनुबंध के माध्यम से ही उसे हम दूर कर सकते हैं। बच्चों, अब हम चौथे प्रकार का व्यवसाय सहकारी समितियों के बारे में विस्तारपूर्वक समझेंगे। सहकारिता का अर्थ होता है मिलजुल कर कार्य करना। इसके अंतर्गत सदस्य अपनी इच्छा से संगठित होते हैं जिनका कि मुख्य उद्देश्य सेवा भाव है
ना कि लाभ कमाना। कहने का तात्पर्य यह है कि ये उत्पादक से सीधे ही वस्तुओं का क्रय करते हैं एवं जिस कीमत पर वे उत्पादक से वस्तुओं का क्रय करते हैं उसी कीमत पर ये अपने सदस्यों को एवं उपभोक्ताओं को वस्तुओं का विक्रय करते हैं। इस व्यवसाय में मध्यस्थ का उन्मूलन होता है। कहने का तात्पर्य है कि इस व्यवसाय में मध्यस्थ नहीं होते हैं, क्योंकि मध्यस्थ के होने से वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है। तो जब बिना किसी दबाव के सदस्य अपनी इच्छा से समाज की भलाई करने के लिए संगठित होते हैं, जिनका कि मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ना हो, तो ऐसे संगठन को या ऐसी समितियों को हम सहकारी समितियां कहते हैं। इस समिति को प्रारंभ करने के लिए कम से कम 10 सदस्यों का होना अनिवार्य है। आइए बच्चों, आगे हम सहकारी समिति की विशेषताएं देखते हैं। बच्चों, इसकी पहली विशेषता है स्वैच्छिक संगठन। इस व्यवसाय में या इस समिति में जो भी सदस्य सम्मिलित होना चाहते हैं वे अपनी इच्छा से सम्मिलित होते हैं। उन पे किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है। दूसरी इसकी विशेषता है मानवता तत्व। इस समिति में या इस व्यवसाय में मनुष्य को प्रमुखता दी जाती है, पूंजी को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि कि इन समितियों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है अपितु समाज की सेवा करना है। इसकी अगली विशेषता है सेवा भाव। मैंने पहले बताया था कि इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। इनका मुख्य उद्देश्य या इन समितियों के सदस्यों का मुख्य उद्देश्य है सेवा प्रदान करना। ये जिस मूल्य पर उत्पादक से वस्तु क्रय करते हैं उसी मूल्य पर अपने सदस्यों को या उपभोक्ताओं को वस्तुओं का विक्रय कर देते हैं। इसकी अगली विशेषता है मध्यस्थों का उन्मूलन। इन समितियों में मध्यस्थ नहीं होते हैं। समिति के सदस्यों को जो भी वस्तु क्रय करनी होती है वे सीधा जाकर उत्पादक से क्रय कर लेते हैं। इसकी अगली विशेषता है पारस्परिक सहयोग। ये समितियाँ एक दूसरे के सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती हैं। बच्चों, पांचवे प्रकार का व्यवसाय है कंपनी। कंपनी वह व्यवसाय है जिसमें कि मनुष्य अपनी पूंजी लगाकर एक अंश या भाग खरीदता है। मतलब पूंजी लगाकर वह अंश खरीदता है। जो व्यक्ति अंश खरीदता है वह व्यक्ति कंपनी का अंशधारी कहलाता है। कंपनी में सदस्यों के जो दायित्व होते हैं वह सीमित होते हैं। हम संक्षेप में कह सकते हैं कि कंपनी अपनी पूंजी सदस्यों को अंश बेचकर एकत्रित करती है। कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार कंपनी इस अधिनियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति का नाम होता है, एक व्यक्ति क्रय एवं विक्रय का कार्य करता है, उसी प्रकार से कंपनी का भी अपना एक नाम होता है। कंपनी भी अंशों को बेचने और खरीदने का क्रय एवं विक्रय का कार्य करती है। और जिस प्रकार से एक व्यक्ति सभी महत्वपूर्ण प्रलेखों पर हस्ताक्षर करता है, कंपनी हस्ताक्षर तो नहीं कर सकती परंतु उसके स्थान पर अपनी सार्वमुद्रा का प्रयोग करती है।
अब गृह कार्य के लिए मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ। तो आज की कक्षा बच्चों हम यहीं समाप्त करते हैं। पुनः अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।